भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कराहल में की चुनावी सभा। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे बोली, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी दमखम लगा रही है, तो वहीं इस बार पहली बार यहां से चुनाव लड़ रही भारतीय आदिवासी पार्टी भी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशु भाई ने मन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को खूब आड़े हाथों लिया, कहा कि हमारे समाज को शराब और पैसों में खरीदने की सोचना भी मत। इस बार हम बड़े दलों को दिखा देंगे हमारी पार्टी की ताकत। वहीं पार्टी के विधायक प्रत्याशी नेतराम देवरिया ने भी मन से कहा कि हमारे प्रचार प्रसार को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुनाव में मुझ पर चुपचाप बैठ जाने का दबाव बना रहे हैं, मगर हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आदिवासी पार्टी ने जो पहली बार विधानसभा में या विजयपुर में अपना प्रत्याशी उतारे हैं, नेतराम देवरिया के रूप में एक आदिवासी चेहरा है, बखूबी ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके प्रचार के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशु भाई ने नामा जी आए हुए हैं। केशु भाई, कैसी क्या तैयारियां रहेंगे इस बार आपके चुनाव को लेकर? देखो, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आप अच्छी तरह पता होना चाहिए लोकतंत्र में सबका अधिकार तो होता ही है, और आप इसी चीज़ से समझ जाइए कि हमारी जो पार्टी है कोई फंडिंग वाली पार्टी तो नहीं है, लेकिन पहली बार में हमने इतना जन सैलाब करके आपको दिखा दिया, तो इससे क्या नज़रिया है, और इससे आपको अच्छी तरह स्पष्ट होता है कि ये सच्चाई की जीत है, और सच्चाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सच्चाई के लिए हमने जो मैदान में हमारे देवरिया जी को उतारा है, और हमको कॉन्फिडेंस है, और जितने भी वोटर्स सब आई है, हम लोग रात दिन मेहनत करके इन दोनों को बीच में और रात इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमको पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे से अच्छे वोटर से चुनाव जीतेंगे। केशु भाई जी, आप एक आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस ने भी आदिवासी प्रत्याशी को उतारा है, तो कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं कि आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है? देखो, हम लोग व्यक्ति विशेष एवं फिर पार्टी की अगर वो बात करते हैं, तो भाई आज लोकतंत्र स्टार्ट हुआ, आज़ादी का लगभग 76-78 साल हो गए थे, तब से जब आज ही भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट उतारा, तो इतना समय आदिवासी भाई नहीं मिला था, जो कि आज ही उन्हें पार्टी की डर को देखकर उन्हें कांग्रेस ने टिकट मजबूरी में उनको देना पड़ा, ये कंडीशन हुई है। और रही बात बधाई शुभकामनाएं, साथ में सबका लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन हम बिल्कुल पूरा नेतृत्वीकरण के साथ, हमारे पूरी मजबूती के साथ, हम पूरे दमखम के साथ यहाँ मैदान में रण में उतरे हैं, और यहाँ पर हम पीछे हटने वाले नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही शानदार वोटों से हम चुनाव जीतकर दिखाएंगे विजयपुर विधानसभा का। आपके प्रत्याशी कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन पर दबाव बना रही है, जैसा उनका अभी मंच से संचालन किया, क्या कहते हो, कितनी ताकत नहीं दे पाओगे, अभी चुनाव के 7-8 दिन बाकी है। देखो श्रीमान, उनको डर है दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये जो तीसरा विकल्प खड़ा होकर आया है, आज के युवा जो परेशान है, आज के जो यहाँ के युवा युवतियाँ, यानी कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आज उनको अलग से कैंडिडेट और मैदान में आने की कहाँ जरूरत पड़ रही भाई, आपको इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए, इतने समय से जब ट्राइब्स एरिया हो चाहे जहाँ पर भी वो है, इतने बेरोजगारी है, इतने पढ़ लिख कर एजुकेटेड होने के बाद भी आज नौकरियाँ नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो ये जो जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है, और हम इनके कुछ एक दो कोई भी बोलने से हम लोग डरने धमकने वाले नहीं हैं, और साथ ही हम यहाँ के एसपी साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कि हमारे कैंडिडेट जी के साथ में एक गंगमैन भी हमारा वो दिया है, और साथ ही हम पूरे जोर तोर के साथ लड़ेंगे, चाहे ये कितनी भी मजबूती लगा लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे श्रीमान। आज तो आपने काफ़ी अच्छी एक रोड शो किया था, एक बाइक रैली निकाली, अब क्या आगे भी कार्यक्रम होगा ऐसा ही कहा था? जी बिल्कुल श्रीमान, इसको देखते हुए लगातार अगले समय का जो हमारा कार्यक्रम तय हुआ है, वो कार्यक्रम लगभग 9 तारीख के लगभग है, उसमें माननीय श्रीमान राजस्थान के सांसद जी श्री राजकुमार जी रोहत पधार रहे हैं, सैलाना विधानसभा के विधायक श्रीमान कमलेश्वर जी डोडियार भी आ रहे हैं, और जो हमारे 5 MLAs है जो राजस्थान के, हमारे 84 विधानसभा के विधायक जी एवं हमारे धरियावत के विधायक जी एवं आसपुर के विधायक जी, लगभग सभी 9 तारीख को यहाँ पर पधार रहे हैं, और हम 9 तारीख को इतना बड़ा जन सैलाब आके खड़ा कर देंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे, दोनों पार्टियां को चक्कर आने लग जाएगा, ये कंडीशन कर देंगे, ये तो उपचुनाव का पहला ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये आप सुन रहे थे केशु भाई धीमाना, जिनकी आपने भाषण भी सुने होंगे, इन्होंने एक तरह से जान फूंक दी अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा से।